हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, हाँ शायद आ रही होंगी। सो व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ खुद वीडियो बनाने के लिए, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक ट्यूटोरियल लेके। ट्यूटोरियल नहीं है ये, थोड़ा सा हंसी मजाक की तरफ है दोस्तों। ये कुछ फोटोशॉप का कुछ अद्भुत करेंगे, फोटोशॉप में कुछ बनाएंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी वीडियो बनाते रहता हूँ, क्या पता आपको कब क्या ज़रूरत का वीडियो मिल जाए। ऐसे में कोई ज़रूरत का वीडियो बनाता नहीं हूँ, फिर भी अगर कभी मिल जाए तो थैंक यू बोल दीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके, उससे मैं काफ़ी हेल्प हो जाऊँगा। और इंस्टाग्राम का बात कर ही लिया है तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये है मेरा यूज़र आईडी। तो चलिए आज कुछ ऐसे बनाएंगे वीडियो, मतलब फ़ोटो, कुछ ऐसा फ़ोटो बनाएंगे और ये सब चीज़ों से बनाएंगे, मतलब ये जितना भी ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये सब चीज़ों से ये क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे अपना जो ये पीला पीला बैकग्राउंड है इसको हटाएंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा फेवरेट टूल है पेन टूल, आप कुछ भी टूल से हटा सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा पेन टूल का यूज़ करें। तो चलिए फटाक से करें इसको करें, और थोड़ा अभी मैं कुछ आपको जंतर अंतर दिखाऊंगा, इतना स्पीड तेज़ी से करूँगा। मेरे को थोड़ा सुपर पावर मिल चुका है तो इसलिए मैं फास्ट कर सकता हूँ, और आप धीरे से कीजिएगा। ये सब चीज़ें घर में कोशिश ना करें, क्योंकि इससे थोड़ा ख़तरा है आपका जान को, तो आप ये धीरे से करें। तो मैं देखिए मेरा कुछ सुपर पावर है तो इसलिए मैं फटाक से कर दिया हूँ, ऑलमोस्ट होने वाला है। ये आधा घंटा प्रोसेस है, ये 20 मिनट का प्रोसेस है, इसको मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ, क्योंकि पता ही है दोस्तों मैं हूँ सुपरमैन। सुपरमैन नहीं बट सुपर पावर है मेरे पास। तो चलिए ये हो चुका है ऑलमोस्ट डन। सो देखिए बातों बातों में आपको उलझाए रखे हुए मैंने अपना बैकग्राउंड को जो रिमूव कर चुका हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और ये हट गया, और बस मास्क आउट। यो ये क्या है पीला पीला दोस्तों, ये कुछ आपको अजीब दिख रहा होगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले इसको किया था एक बच्चे को डराने के लिए कि देखो क्या हो गया, तो इसको मैं फटाक से चेंज कर लेता हूँ। और इससे चेंज करने से मतलब चेंज करने के लिए भी मैं कुछ सुपर पावर यूज़ करूँगा। तो टना हो गया दोस्तों, हो गया, बातों बातों का चीज़ है ये भी हो गया। तो इसके बाद अभी क्या है नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का, बैकग्राउंड में इसको प्लेस करना। तो ये रहा बैकग्राउंड दोस्तों, मैंने दो बैकग्राउंड चूज़ किया था, मैं इसको मुझे इस ये ज़्यादा पसंद आया तो मैं इसको लेते जाऊंगा। और इसका जो साइज़ फॉर्मेट होगा इंस्टाग्राम का पोस्ट जैसा साइज़ फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर अपना जो कैरेक्टर है, जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो अगर कृपया करके अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है तो ड्रैग एंड ड्रॉप ना कीजिए, ओपन कीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट से, नहीं तो थोड़ा सा लैगी हो जाता है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको कंपोजिशन मतलब इसको पोजीशन में ले आते हैं, इसको प्रॉपर पोजीशन दे देते हैं। हाँ समझ रहे हो, अच्छा इसको फिर पोजीशन दे देते हैं। इसको थोड़ा स्लो मोशन में करेंगे, क्योंकि हर बार सुपर पावर यूज़ करना नहीं चाहिए, जान को खतरा है इसमें। तो इसको देखिएगा बैकग्राउंड के साथ अपना ऑब्जेक्ट सही से मिले तो बहुत अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मतलब कॉम्बिनेशन वो अच्छा होना चाहिए। और ये चूल के साथ आ गया कुछ पीला पीला, ये पता नहीं क्या अद्भुत चीज़ है। तो इसको हटाने के लिए बहुत तरीके हैं, तो मैं ये तरीका यूज़ करूँगा सुपर पावर के साथ। तो हाँ दोस्तों ये भी चला गया, ये भी सुपर पावर। अच्छा फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग गए, नेक्स्ट प्रोसेस जो बॉडी का जो कलर है उसको मैच कराना बैकग्राउंड के साथ। तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे एडजस्टमेंट लेयर्स। पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के साथ। थोड़ा रुकिए दोस्तों, मुझे ये कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से। हाँ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, फिर चलेंगे अपना नेक्स्ट चीज़ जो होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं देखता हूँ, मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ इसलिए मुझे भी मैं भूल गया हूँ। तो उसके बाद हम लोग करेंगे क्या है ये सेलेक्टिव कलर्स। अच्छा सेलेक्टिव कलर्स करेंगे हम लोग इसी तरह से सुपर पावर यूज़ करते हुए। मैं भी ये एडजस्ट कर लिया हूँ, आप थोड़ा सा धीरे कीजिए, इसके जान को ख़तरा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ये बात। हाँ जी। तो इसके बाद अभी क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा देखते क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी भूल चुका हूँ क्या करेंगे। अच्छा तो देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस आ गया है। अभी फिर लेंगे हम लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, और अपना जो बॉडी का जो अपना जो ऑब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस है बैकग्राउंड के साथ मैच कराएंगे। और नीचे का जो ये डार्क वाला हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा पैर के साथ, क्योंकि एक कॉमन सी बात है, मतलब यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो मतलब। अच्छा हाँ तो फिर अभी इसको मास्क आउट करेंगे इसको, क्योंकि पूरा बॉडी में मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैर का हिस्सा और छाता का हिस्सा तरफ चाहिए। तो मैं उस हिसाब से कर लूँगा, अभी उस हिसाब से कर लीजिएगा कंपेयरिंग टू द बैकग्राउंड। उसके बाद हो चुका है, तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस आ चुका है ये ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को लेके। अच्छा
हाँ उसके बाद नहीं समझ आ रहे हो तो काफ़ी वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब में, अब मेरा भी वीडियो नहीं, मेरा वीडियो मत चेक कीजिएगा क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई ट्यूटोरियल बनाया नहीं। काफ़ी वीडियो है, बहुत अच्छा अच्छा क्रिएटर्स है, वो लोग बहुत अच्छे से समझाए, उन सब वीडियो देख के आप समझ सकते होंगे ये सब कैसे काम करता है। मैं सिर्फ आपको ओवरऑल एक बताता हूँ मैं कैसे एडिट करता हूँ, कोई ट्यूटोरियल नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस है कि मैं कैसे एडिट करता हूँ। अच्छा तो मैं थक चुका हूँ, पानी का बोतल भी नहीं है रूम में, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आप क्या करना पड़ेगा अभी हम लोग को छाता का जो ये मतलब देख लो ना, मतलब मास्क आउट करना पड़ेगा सिंपल सरल भाषा में, पर पता नहीं क्या चीज़ को मास्क आउट करना पड़ेगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ तो समझ जाओ, देख के समझ जाओ। हाँ तो कुछ ऐसा, ये भी मैं सुपर पावर के साथ यूज़ करूँगा तो आप समझ जाओ, आप ना यूज़ करें इसको, जान को थोड़ा खतरा है। अच्छा तो देख ही सके भाई, हाँ, स्टार्ट हो गया। तो मैंने इसमें पेन टूल, लेसो टूल, सब टूल यूज़ किया हो क्योंकि मुझे मतलब क्या ही बोले, थोड़ा सा पागलपन थी क्या, मज़ा चल गया था, तो मैं सब टूल यूज़ कर चुका हूँ, सारा का सारा टूल, मतलब सारा का क्या मतलब लेसो टूल एंड पेन टूल मैं रेफ़र करूँगा, पेन टूल यूज़ करूँ ज़्यादा अच्छा है। तो ये रहा, इसी के साथ हम लोग ने छाता का जो उस तरफ का हिस्सा है उसको निकाल दिया, अभी बन गया डंडी, मतलब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको लोहावत बोलते हैं ना क्या, तो इसमें थोड़ा सा अभी मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या किया था, तो अभी वॉइस ओवर मैं दो दिन बाद दे रहा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या कर रहा था, पर कुछ ना कुछ तो कर रहा था। अभी शायद मैं कुछ बैकग्राउंड ला रहा था। अच्छा अभी चाहिए छाता का जो अंदर जो बैकग्राउंड रहेगा ये ब्लू कलर वाला क्लाउड्स, ये चाहिए, उसके बाद ये एडजस्ट कर लेंगे हम लोग अभी सुपर पावर के साथ, फिर करेंगे अपन हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, इसको थोड़ा रैप करना है ताकि इसको थोड़ा पोजीशन जो हो छाता का जो शेप है उस तरफ ये क्लाउड भी लगे उस तरफ देखने को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा रैप कर लेंगे, समझ नहीं आ रहा है तो देख लो, ज़रा समझ जाओगे, मेरे को भी उतना अच्छे से बोलने नहीं आ रहा बट अब देख लो समझ जाओगे। तो हाँ तो और एक बार मैं बता देता हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिए जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम में, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, कमेंट करें ना करें लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। हाँ जी तो इसका बाद ये होने का बाद पता नहीं क्या क्या मैं, हाँ तो क्लिपिंग मास्क किया, क्लिपिंग मास्क आपको नहीं पता है तो क्या है वो यूट्यूब में मिल जाएगा वीडियो आपको, वो चेक कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे उतना अच्छे से बोलना नहीं आता है। हाँ जी तो फिर उसका बाद क्या किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस हम मैंने कुछ ऐसे किया, उसका बाद मैं देखता हूँ ना, मैं देख के बता रहा हूँ ना कैसे। हाँ उसका बाद मैंने क्या किया भाई, अच्छा मैंने एडजस्ट किया स्काई को थोड़ा सा अम्ब्रेला का साथ मैच करने के लिए, तो उसका बाद क्या हुआ, उसका बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसका बाद देखते हैं क्या क्या। तो अब जो बैकग्राउंड में ये ख़राब चीज़ देख रहे हो, मतलब ये जो डट्टी डट्टी लग रहा है, ये बिकॉज अब मेरा वहाँ जो क्लिपिंग मास्क था शेडो में उसको हट गया, उसको मैं फिर से कर दूंगा तो अच्छा दिखेगा फिर से। पता नहीं मैं क्या कर रहा था बट जो भी कर रहा था कुछ काम का ही कर रहा होगा था क्योंकि मैं भूल गया हूँ क्या कर रहा था। अच्छा आपको दिखा रहा था मैं, देखिए डिफरेंस ऐसा ऐसा है, ऐसा बात है, ऐसा कुछ है। फिर इसका बाद मुझे काम किया, मेरे को यहाँ पर क्लाउड लगाना है, फिर हाईलाइट्स और शेडो के साथ कुछ खिलवाड़ करना है, फिर कलर ग्रेडिंग करना है, फिर बस। तो मैं यहाँ पर क्लाउड्स लेके आ गया हूँ, मैं क्लाउड्स लगाने वाला हूँ छत्ता का अंदर, हालांकि ऐसा कभी पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है छत्ता का अंदर क्लाउड्स होना, बट ये फोटोशॉप है, फोटोशॉप इज़ अ मैजिकल वर्ल्ड, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, हाँ तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लिया ताकि थोड़ा क्लाउड्स में जान आ जाए, ये पूरा खराब गंदा लग रहा था, इसको थोड़ा सा सफ़ेद कर दिए हैं हम लोग वाशिंग पाउडर से। तो उसके बाद मैंने बैकग्राउंड के साथ थोड़ा छेड़खानी किया, फिर हाइलाइट्स के ऊपर काम किया ऑब्जेक्ट में, आई मीन बॉडी में। फिर मैं पहले हाइलाइट्स में मेरा प्रोसीजर ये होता है, पहले मैं रफ बनाता हूँ, फिर उसके बाद उसको सॉफ्ट करने के लिए अपना जो सॉफ्टनेस है और हार्डनेस है उसको थोड़ा कम करके फिर मैं अच्छे से उसको एडजस्ट करता हूँ। पहले मैं रफली ड्राइंग करता हूँ अपना हाइलाइट्स, फिर उसको मैं नेक्स्ट प्रोसेस में उसको मैं ठीक करता हूँ। तो ऐसा कुछ है, ऐसा लग रहा है इसके बाद। और अभी क्या बच गया, अभी बच गया हम लोग का जो है, हम देखते हैं क्या बच गया, क्या रह गया। हाँ तो अभी अच्छा 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 मेरे को पता नहीं वॉइस क्वालिटी कैसे आ रहा है, मेरे पास एक छोटा सा माइक्रोफोन था उसी से मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, वो अच्छा आ रहा होगा, नहीं तो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। तो अच्छा तो छाता का जो क्लाउड का ग्लो है उसका भी हाइलाइट्स बनाना पड़ेगा जो फेस में आएगा, तो उसी को सुपर पावर के साथ मैं बना दिया हूँ। उसका बाद कुछ क्या कर रहा था मैं, अभी थोड़ा कलर बैकग्राउंड को थोड़ा सा भी ठीक करना पड़ेगा कैमरा और फिल्टर में। तो देख लो क्या 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 है मैंने थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाया, वाइब्रेंस बढ़ाया और थोड़ा सा कलर को डिसेचुरेट किया। उसके बाद मैंने एक ओवरले दिया ताकि थोड़ा पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स ओवरले, ताकि थोड़ा लगे कि ऐसा मतलब शक्ति आ रहा है ग्रह से, क्लाउड से,
तो रेस आ रहा है ऐसा टाइप का कुछ। फिर मैंने कुछ बैकग्राउंड के साथ और छेड़छाड़ किया, मैंने कुछ एडजस्टमेंट लेयर लिया, कर्व्स लिया, फिर उसको मैंने मास्क आउट स्कआउट किया। फिर मैंने यहाँ पर एक फाइनल फोटो लिया उसको। फिर मैं कैमरा रॉ फिल्टर में आकर थोड़ा नीचे से ब्लैक्स और साइड से व्हाइट एक्सपोजर करने की थोड़ी कोशिश किया ताकि थोड़ा फोटो में अच्छा लगे। उसके बाद मैंने शार्पनिंग थोड़ी बढ़ाई, फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाई, फिर क्लियरिटी बढ़ाई, फिर पता नहीं क्या किया, फिर मैंने ब्लैक्स को थोड़ा ब्लैक किया। और फिर यहाँ पर मैंने अपना एक शेप लिया, शेप का अंदर थोड़ा सा एडजस्ट किया ताकि उसको क्लाउड्स थोड़ा निखर के आए, थोड़ा देखे दिख जाए क्लाउड्स थोड़ा अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर बैलेंस लिया फाइनल फोटो में, लेयर एडजस्टमेंट में, फिर यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट किया मैंने। उसका बाद कुछ ठीक ठाक लग रहा था। फिर कलर फिल्टर में, मतलब कैमरा फिल्टर में आके मैंने शार्पनिंग और मास्किंग एंड थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नॉइस नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं जो, पता नहीं, मैंने ऐड किया उसको। तो थोड़ा उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो अपना ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा मैचिंग लगता है वो करने से। तो यही है फाइनल प्रोडक्ट। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़।